कोई दिक्कत नहीं है सर। हवेलियाँ कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई ले सकते, लेना चाहिए, लेना चाहिए। कहाँ से आए? सेरना से। नाम क्या हुआ? शालिनी प्रिया। लेना चाहिए, बहुत अच्छी है वैक्सीन। हम युवा हैं, हम लोगों को बाहर पढ़ने के लिए जाना आना, अगर ले रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हर युवा को लेना चाहिए जो भी 18 प्लस है। कांटी क्षेत्र के नगर पंचायत में स्थित कांटी कस्बा विद्यालय में कोविड वैक्सीनेशन लेने के लिए 18 वर्ष के युवक युवती के साथ महिलाएं पुरुष लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टर ने बताया कि हर दिन लगभग 200 लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन दिया जा रहा है और तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, बढ़ चढ़ कर युवा वर्ग कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं। वहीं युवाओं से बात करने के दौरान उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं, खुद सुनिए। अभी आपने वैक्सीन लिया है, क्या कुछ कहेंगे जो नहीं ले रहे हैं उनको, क्या करना चाहेंगे जो युवा वर्ग हैं? वैक्सीन से कोई परेशानी नहीं है, एकदम आराम से वैक्सीन लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा बहुत ले सकते, लेना चाहिए, लेना चाहिए। कहाँ से आए? सेरना से। सेरना से। नाम क्या है? शालिनी प्रिया। आपने लिया है, क्या कुछ कहेंगे, मतलब कोई परेशानी? कोई परेशानी आए हैं? वैक्सीन हर आदमी को लेना चाहिए, जब मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, बहुत जरूरी चीज़ है। इससे फायदा है कि नुकसान कुछ नहीं है। इस विद्यालय में लगाया गया कैंप तो अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा भी पता नहीं चला है वैक्सीन, सुइया जो हम लोग लेते हैं डरते हैं, फिर भी पता नहीं चला। कहाँ से आए थे? सेरना से आए हैं हम लोग। क्या बजे आए थे? अभी तुरंत आए, पहले से मेरा नंबर लगा हुआ। अभी आपने वैक्सीन लिया है, क्या कुछ कहेंगे जो युवा वर्ग है जो नहीं ले रहे हैं उनको, क्या कहेंगे? लेना चाहिए, बहुत अच्छी है वैक्सीन। हम युवा हैं, हम लोगों को बाहर पढ़ने के लिए जाना आना, अगर ले रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हर युवा को लेना चाहिए जो भी 18 प्लस है। अभी यहाँ पे आया, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत। कितने बजे आए थे? वही करीब 20 मिनट पहले। नाम क्या हुआ? डॉली। कहाँ से आए? नरसंडा। सुविधा यहाँ पर अच्छा है? हाँ ठीक है। अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन का अभी डोज मिल चुका है? 80 लोगों से ऊपर अभी जा रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले ऑनलाइन वाले को, मतलब जो किया गया है उसको मिल रहा है कि जो अदर जो भी? यहाँ पर जो 18 से 44 साल के लोग जो पूर्व से अपना निबंधन करा चुके हैं, अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, उन्हीं लोगों को आज टीका दिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो है कि वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट के बाद अपना आधार कार्ड लेके आएंगे, सिर्फ यहाँ वेरीफाई करना है और उनको टीका लगाना है। अपने से वेरीफाई करते हैं या वो सब अपना? नहीं, वेरीफाई हमको खुद करना है कि ताकि जो आए हैं वो सही है कि नहीं है, अपॉइंटमेंट उनका है या नहीं। जो ऑनलाइन करके जो आधार कार्ड अपॉइंटमेंट लेकर आए फिर से आप यहाँ पर आधार दे के वेरीफाई करते हैं कि वही है। कितने दिनों तक ये कैंप चलेगा? अभी तो शुरू हुआ है, अभी आगे हो सकता है बढ़ेगा, अभी विस्तार में जाएगा और नीचे तक जाएगा। प्रखंड से शुरू हुआ है, हो सकता है पंचायत स्तर पर भी जाएगा। अभी फिलहाल जो है हर प्रखंड में एक सेंटर बनाया गया है 18 प्लस के लिए, जिसमें लगवाना है। अपना नाम बता दीजिए। मंजीत कुमार, PSC पार्टी। यहाँ 18 प्लस लोगों को वैक्सीन पड़ रहा है। यहाँ पर 9 तारीख से शुरू हुआ है, अभी तक सुबह से 70 लोगों को पड़ गया है और 200 का लक्ष्य है प्रतिदिन का। और काफ़ी संख्या में काफ़ी उत्साहित है लोग और यहाँ पर वैक्सीन ले रहे हैं। कितने दिनों तक ये चलेगा यहाँ पर? ये तो अभी नहीं बताया जा सकता कितने दिन चलेगा, लेकिन ये तो अभी चलेगा। ये कितने बजे से यहाँ पर वैक्सीन का? 10 बजे से। 10 बजे से कई बजे तक होता है? 5 बजे तक। पाँच बजे तक।